हटे यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब मुझे कंप्लेन करनी है, मेरा लैपटॉप चोरी हो गया और ये आपका सिपाही मुझे अंदर नहीं आने दे रहा। देखिए मैं एक ऑफिशियल कॉल पे हूँ, आप थोड़ी देर इंतजार करें। लेकिन सिर्फ एक कंप्लेन लिखवानी है, वो भी लैपटॉप चोरी की। मेरी बात इतनी ज्यादा नहीं है। देखें बीबी, हमें और भी बहुत जरूरी काम होते हैं, आपसे अगर इंतजार नहीं होता तो कल आ जाएं। चलो चलो, मैंने पहले भी बताया था आपको, चलो। साहब नाराज होते हैं, चलें। बीबी आप बैठे यहाँ पे, साहब अभी मीटिंग में है, वेट करें आप। आए नहीं अभी तक आपके सर। ओ बीबी बताया ना आपको, मीटिंग में है, आ जाते हैं अभी, जल्दी पड़ी हुई है इनको, और अपने हमारे काम पर होते हैं। और मीटिंग चलेगी, मैं 4 घंटे से इंतजार कर रही हूँ। ओ बीबी बड़े लोग हैं वो, जब फ्री होंगे आ जाएंगे, हम थोड़ी ना पूछ सकते हैं उनसे। कोई और नहीं है यहाँ कंप्लेन लिखने के लिए? रिपोर्ट लिखने के लिए तो बहुत हैं, पर साहब जिनको ऑर्डर करेंगे वो लिख देगा, लेकिन पहले साहब ही मिलेंगे, आप इंतजार करें। हाँ बीबी, क्या चोरी हुआ तुम्हारा? सर मेरा लैपटॉप चोरी हो गया, बहुत कीमती है वो मेरे लिए, मेरा सारा ऑफिस डेटा है उस लैपटॉप में। वाकई तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है? जी सर, बस ये समझे कि मेरी नौकरी दाव पर लगी हुई है। फिर तो वाकई रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। क्या क्या मतलब? मतलब रिपोर्ट लिखने के लिए कुछ पैसे लगेंगे। पर रिपोर्ट लिखने के तो कोई पैसे नहीं होते। नहीं होते होंगे, लेकिन मैं पैसे लेता हूँ। कितने? ज्यादा नहीं, 50,000 जमा करवा दो, मैं तुम्हारी रिपोर्ट लिख लेता हूँ। 50,000? सर मेरा पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है और आप मुझसे मजीद पैसों की डिमांड कर रहे हैं। मजबूरी है, पैसे हैं तो ठीक है, वरना आप जा सकती हैं, नौकरी तो वैसे भी जा ही रही है। सर इसमें कुछ कम तो हो सकते हैं? हरगिज नहीं, 1 रुपया भी कम नहीं होगा। अब आप जा सकती हैं, मुझे और भी काम है। ठीक है सर, मैं कुछ करती हूँ। ये रहे आपके 50,000। वैसे तो ठीक है, लेकिन इस केस में आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकती। क्या मतलब? मतलब मैं आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहा। क्या मतलब? मैं पहले ही इतनी मुश्किल में हूँ, आपने मुझसे पैसे मंगवा लिए, मुझे इतना इंतजार करवाया और अभी भी आप मुझसे ये कह रहे हैं कि आप रिपोर्ट नहीं दर्ज कर सकते। ऐसा ही है। सर मेरी नौकरी चली जाएगी, प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, कुछ करें। आपके जोड़े हाथ तो मैं देख लूं, लेकिन आपके सामने कोई मजबूर हाथ जोड़े तो आप परवाह भी ना करें। मैं समझी नहीं कुछ। आपने इसी तरह किसी की मजबूरी नहीं समझी थी तो मेरी मां मर गई थी। आपकी मां? हाँ मेरी मां। आपको 2 साल पहले रिक्शे पे पिक एंड ड्रॉप देने वाला असलम याद है? मेरा भाई है वो। मैडम
मैडम आपने मेरी 2 माह से सैलरी दे दी। मिल जाएगी सैलरी, क्या हो गया, मरीज आ रहे हो? देखिए मैडम, मेरी माँ बहुत बीमार है, मैंने दवा खरीदनी है। अगली सैलरी पे दे दूंगी, पीछे ही पड़ गए हो, चलो जाओ यहाँ से। मैडम 3रा माह हो गया, मेरी सैलरी नहीं मिली, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो बहुत खतरे में है। तुम्हें रिक्शे में भी कहा था ना कि मिल जाएगी सैलरी, बार बार से रास्ता क्यों रोकते हो? मैडम वो तो ठीक है, अगर मेरी माँ मर गई तो? मरी तो नहीं ना, जाओ यहाँ से, मिल जाएगी। मेरी माँ बीमार थी, घर में पैसों की जरूरत थी, लेकिन आपने हमारी मजबूरी को नहीं समझा। मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, अब जा सकती हैं। मुझे माफ कर दें, मैं ये सब नहीं चाहती थी। आपके पछताने से या मेरे माफ कर देने से मेरी मां जिंदा हो जाएगी? जाएं आप। और सुने, अपने पैसे लेती जाएं। आप ये अपने भाई की सैलरी समझ के रख लें। मैं इस तरह से किसी से पैसे नहीं लेता, और अब हमें वो पैसे चाहिए भी नहीं जो हमारी माँ के काम नहीं आ सके। मैं आपकी बात समझ गई हूँ, आइंदा जिंदगी में मैं किसी मजबूर की मजबूरी से नहीं खेलूंगी। आपका मुझे यह एहसास दिलाने का शुक्रिया। अजमल, इनका लैपटॉप लेके आओ। क्या, मेरा लैपटॉप? सर मगर ये तो चोरी हो। जिस दिन आप आई थी मैंने उसी दिन स्टाफ की ड्यूटी लगा दी थी, चोर भी पकड़ा गया था और लैपटॉप भी। मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपका किस तरह से शुक्रिया अदा करूं। आइंदा जिंदगी में कभी किसी की हक तलफी मत कीजिएगा, और दूसरों को भी यही सिखाइए। जरूर। लैपटॉप और पैसे लेके जा सकती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस यकीन के साथ शेयर कीजिए कि आपका एक शेयर किसी ना किसी की जिंदगी जरूर बदलेगा।